हेलो गाइस, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक सुंदर सा मॉडर्न हाउस। तो नहीं, मेरे में कोई एंड्रो भी की आत्मा नहीं आई हुई है। उसने टेक्नोमर्स का एंड्रो यूज़ किया तो मैंने सोचा कि मैं उसका एंड्रो यूज़ कर लेता हूँ। कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलता रहता है मेरा। तो हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं मॉडर्न हाउस, वो भी है जो एंड्रो भी ने बनाया था हीरो भाई SMP में। नाम कैसे वैसे, हीरो भाई SMP। तो हीरो भाई SMP में जो बनाया था उन्होंने, और उसके लिए जो सामान चाहिए मैंने स्टेश में रखा हुआ है। तो फुल टू फुल ट्यूटोरियल है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर बिल्डिंग जैसी है, उसका पूरा ट्यूटोरियल है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। एंड गाइस, वीडियो तो बहुत लंबी होगी, जब एडिट करूंगा तो पता चलेगा ही, इसलिए मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि मुर्गी पकड़ने चल जाऊंगा। ओ मुर्गी 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 ओ मुर्गी 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 रुक, आज तेरा मैं चिकन फ्राई खाऊंगा। यस, मुर्गी फ्राई मिल गया। एंड मैं पक्का कोई भी बोरिंग लगने नहीं दूंगा थोड़ा सा ट्यूटोरियल को। और अगर आपका ज़्यादा टाइम कीमती है तो आप थोड़ा वीडियो को स्पीड में भी देख सकते हैं, लेकिन आप पूरी वीडियो देखें तो आपको 100% सीख जाएंगे। तो लेट्स बिगिन ट्यूटोरियल। उससे पहले आप थोड़ा सा, मैं दिखाता हूँ सिनेमैटिक्स। सो गाइस, लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले आपको 25x7 का ऐसा कुछ बना लेना। ये आउटलाइन मैंने किया हुआ है, तो इसके ऊपर क्या करना है आपको, एक ब्लॉक तक वाइट कॉन्क्रीट जो होता है उसको रख देना है एक ब्लॉक तक, और इसको पूरा लाइन जो मैंने आउटलाइन किया हुआ इसको पूरा जो है इसको कवर कर देना है पूरे वाइट कॉन्क्रीट की मदद से। एंड गाइस, जैसे ही आपका कवर हो जाए तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑरेंज कॉन्क्रीट जो होता है उसको लेना, ऑरेंज कॉन्क्रीट को, और आ जाना है एक कॉर्नर में। ऑरेंज कॉन्क्रीट को लगा देना है 3 ब्लॉक की हाइट तक एक कॉर्नर में। यहाँ पर मैंने 3 ब्लॉक की हाइट तक लगा दिया है, और इसको फिर 2 ब्लॉक का गैप देना, उसके बाद वापस से 3 ब्लॉक की हाइट तक ऑरेंज कॉन्क्रीट। अरे उधर क्यों लग रहा है भाई, तेरे को ज़्यादा लगने का शौक है, इधर निकल इधर से। एंड उसके बाद लेना है ग्लास आपको, और ग्लास को लगाना है 5 ब्लॉक आगे तक, और उसको भी 3 ब्लॉक हाइट तक ले जाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 ब्लॉक आगे तक ले जाता हूँ, तो यहाँ पे 5 ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5। हाँ, मेरी गिनती थोड़ी कमज़ोर है लेकिन इतनी भी नहीं। और इसको भी 3 ब्लॉक हाइट तक ऊपर बढ़ा देना है। उसके बाद ग्लास लग जाए तो उसके बाद भी कंक्रीट लगा देना है ग्लास के बाद, ऐसे ही 3 ब्लॉक हाइट तक। और सिमिलर चीज़ हमें करनी है ये दूसरे साइड में भी, राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी बोलते हैं। मेरी डायरेक्शन भी बहुत कमज़ोर है, मेरे सब कुछ कमज़ोर है, 2 ब्लॉक छोड़ के हमें लगा देना है 3 कंक्रीट पाउडर। भाई तेरे को एक्स्ट्रा लगने का ज़्यादा शौक है, निकल ले इधर से, और इसको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद हमें वापस लगाने हैं ग्लास, वो भी 5 ब्लॉक तक आगे और 3 ब्लॉक के हाइट के तक। तो यहाँ पे मैं 5 ब्लॉक हाइट के लगाता हूँ, ये फटाक से लग जा बक। तो यहाँ तक मैंने लगा दिया है 5 ब्लॉक की हाइट तक। उसके बाद लगाते हैं कंक्रीट लगा दिया तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको, लेना है वाउट कंक्रीट पाउडर, और इसका जो ऊपर का लेयर होती है एक बना देनी है। ये फिर एक्स्ट्रा क्यों लगने का, इनको शौक है ज़्यादा। यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ एक लेयर लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया एक ऊपर की तरफ लेयर। और सिमिलरली हमें क्या करना है, इस सेकंड वाले में भी एक ऊपर की तरफ की एक वाइट कंक्रीट पाउडर की लेयर जो है, पाउडर नहीं वाइट कंक्रीट की लेयर जो है लगा देनी है। तो ऐसे मैंने लगा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, बैक साइड आ जाना है, और यहाँ पे जो ये पार्टीशन दिख रहा है यहाँ पे लगाना है वाइट कंक्रीट, ताकि ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया। और इस साइड भी जो ऑरेंज का टावर, ऑरेंज टावर है, इसके मतलब इसके इस लाइन में लगाना है, यहाँ पे मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 सेक्शन डिवाइड हो चुके हैं अलग अलग साइज के, तो यहाँ पे डिवाइड हो गए। उसके बाद आपको करना है पूरी वॉल बना लेनी है दोनों साइड। तो इस हम वॉल बना लेते हैं फटाक से, यहाँ पे धड़ाधड़ वॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड की वॉल बना ली, अब दूसरे साइड भी सेम टू सेम ऐसी वॉल बना लेनी है। तो यहाँ पे हम वॉल बना लेते हैं, ये भी ऑरेंज कंक्रीट पाउडर से बनानी है। पाउडर क्यों बोल रहा हूँ मैं, ऑरेंज कंक्रीट, गलती से मैं पाउडर बोल रहा हूँ, आप इग्नोर मारिए उस बात को। ठीक है, यहाँ पे हमने ये भी बना लिया, इस वॉल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब
तो गाइस वॉल कंप्लीट करने के बाद मेरे को क्या करना है, अब सिंपली यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाना है। एंड ये याद रखिएगा ये 3 ब्लॉक हाइट तक होनी चाहिए और इसकी चौड़ाई उतनी है जितनी आपने घर बनाया 25x7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिडिल में आना है और मिडिल में रखना है ऑरेंज कंक्रीट और उसको ले जाना है 3 ब्लॉक की हाइट तक। और सिमिलरली यहाँ पे भी ले जाना है जहाँ पार्टीशन किया था वहाँ पे 3 ब्लॉक की हाइट तक। तो ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो पूरी वॉल है इसको भी फिल कर देना है, जैसे अपने इस राइट एंड लेफ्ट की आपको इस साइड भी कर देना, दोनों साइड पूरी पूरी वॉल फिल। तो यहाँ पे मैं फटक फटक से दोनों तरफ वॉल फिल कर देता हूँ फटाधर। ओके गाइस, तो मैंने दोनों साइड वॉल फिल कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर तरफ की वाले वॉल बना लिया ऑरेंज कंक्रीट से और ये थोड़ा सा रह गया बस। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया फुल टू फुल। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली लेना है ये जो वाइट कंक्रीट और इसको पूरा पूरा वाइट कलर में जो जो आउटलाइन है इसको जैसे आपने उधर किया था वैसे आउटलाइन कर देना है। और वाइट कंक्रीट से मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, मेरा पेपर भी ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद होता है एकदम क्लीन। मैं हमेशा पेपर ऐसे ही करता हूँ लेकिन पता नहीं तब भी टीचर बोलती है इतना साफ पेपर कि पूरा खाली रहता है। अब टीचर पता नहीं क्यों बोल रही है कि फेल ही होगा तू मेरिट। ओके, तो सब हमने यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया है आउटलाइन इस तरफ की दोनों तरफ की, तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब हमें इन दोनों को अटैच कर देना है फटाक से, यहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो इसको इसको ऐसे ऐसे करके इस साइड भी अटैच कर देना, तो यहाँ पे भी अटैच कर लेते हैं फटाक से। ये एक्स्ट्रा ब्लॉक क्यों आ गया, यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ पे भी अटैच कर देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये गिनने की ज़रूरत नहीं, बस अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए दोनों साइड ऐसे से फुल टू फुल अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एक एक ब्लॉक एक्सटेंड है ये पूरा पूरा हमें इसका जो छत होती है छत इसको बना लेना है पूरा पूरा वाइट कंक्रीट से। तो यहाँ पे हमने छत बना लेता हूँ फटाक से। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए दोनों साइड की छत बना चुका हूँ। और ये भाई भाई पिग, ओ ओ इधर से निकलियो, इधर से निकलियो, मेरा घर मत देख, मेरा घर मत देख। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। गजब बेइज्जती है। को लेना है आप स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब और इनको लगाना है एक आउटर साइड में ताकि आपका थोड़ा ये बाहर की तरफ दिखे। तो इसको आउटर स्लैब क्वार्ट्ज स्लैब को स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब को ऐसे लगा देना एक्सटेंड करके। तो ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ आप देख रहे होंगे, तो वैसे लगा देना। यहाँ पे ये कुछ ब्लॉक्स छूट गए तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ फटाक से इनको भी ताकि ये अच्छे से बने। हाँ, तो यहाँ पे भी आप ये दूसरी साइड है इसको भी सेम टू सेम हमें ऐसे ही फिल कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हमने दोनों साइड फिल कर लिया। उसके बाद आपको लेना है ब्रेक और उसको लगा देना है एक ब्लॉक आगे जहाँ ये जो हमने ग्लास के बगल में जो जगह छोड़ी थी इसके एक ब्लॉक आगे लगाइएगा ताकि ये उभर के दिखे ऐसे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है दोनों साइड स्टोन ब्रिक ब्लॉक बोलते हैं इनको। यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपको छत पे आना है और 3 ब्लॉक का गैप छोड़ के आपको 2 स्टोन ब्रिक लगाने हैं और इनको रेस कर देना है आपको 3 ब्लॉक की हाइट तक। याद रखिए ऐसे कर देना या और यहाँ पे भी सेम टू सेम करना है, 3 ब्लॉक छोड़ना है और चौथे ब्लॉक पे लगाना है स्टोन ब्रिक और इधर इस इधर भी लगाना है स्टोन ब्रिक और इसको भी रेस कर देना है 3 ब्लॉक की हाइट तक। 1, 2, 3, 1, 2 हो गया, 3 ब्लॉक हो गए। एंड अब आपको क्या करना है, इस साइड में आ जाना है और यहाँ पे लगाना है ऑरेंज कंक्रीट पाउडर एकदम इस कॉर्नर पे। याद रखिए डायगोनल वाले कॉर्नर पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं डायगोनल वाले कॉर्नर पे ये और इसको भी 3 ब्लॉक हाइट तक रेस कर देना है और इसको ले जाना है पूरा एंड तक ले जाना है, मतलब जो ये घर घर का एकदम कॉर्नर है यहाँ तक ले जाना है और इसको भी पूरा घर के कॉर्नर तक ले जाना है ये राइट हैंड साइड वाले को भी। यहाँ पे हम ले गए तो इसको भी आउटलाइन बना लेते पहले। उसके बाद हमें ये जो पूरा आपको दीवार दिख रही है ये जो मैंने आउटलाइन किया ऑरेंज कंक्रीट से इसको भी आप 3 ब्लॉक हाइट तक रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ब्लॉक हाइट तक इसको भी रेस कर दिया है तो आप देख सकते हैं। और सिमिलरली हमें क्या करना है, ये सेकंड वाले पे भी ऐसे ही करना है, यहाँ डायगोनल में रखना है, इसको भी 3 ब्लॉक हाइट तक रेस करना है, इसको भी ले जाना है हमें यहाँ तक इसके एंड तक एंड इसको भी 3 ब्लॉक हाइट तक रेस कर ही देते हैं। एंड इसको भी पीछे फटाक से ले जाना है और ये देखिए यहाँ तक आ गया। एंड इसको बैक तक ले जाके और इसको पूरे पूरे जो वॉल है उसको भी हमें वापस से कर देना है 3 ब्लॉक हाइट तक रेस। तो यहाँ पे मैं फटाक से ये भी करके आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने सब बना दिया। तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा आपने जब अगर रूल सही से फॉलो किया तो अब तो देख सकते हैं ऊपर से कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब ऊपर से देखने के बाद अब आपको लेना है ग्लास और ग्लास को क्या करना है, यहाँ पे लगा देना है 1, 2 यहाँ पे लग जाता भाई 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 ग्लास को लेना है और यहाँ पे लगा देना और इसको भी रेस कर देना है 3 ब्लॉक हाइट तक, मतलब
जितना आप बेस का हाइट बना रहे हैं 3 ब्लॉक हाइट तक रेस कर देना। तो यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक हाइट तक रेस कर दिया। उसके बाद आपको लेना है ऑरेंज कंक्रीट, इसको भी एक 3 ब्लॉक हाइट तक रेस कर देना है इसके लास्ट में, एकदम लास्ट वाले ब्लॉक पे। और यहाँ पे मैं 3 कंक्रीट लगा देता हूँ। उसके बाद हमें ग्लास लगा देना है, 4 ब्लॉक तक ग्लास लगा देना है 3 ब्लॉक हाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो बैक में है ये ऑरेंज पिलर के, एक और बार इसको डबल कर देना, मतलब दो ब्लॉक का ये बन जाना चाहिए, ठीक है। और पिलर जो होता है, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आपको लेना है स्मूथ पार्ट स्लैब और इसके ऊपर लगा देना एकदम ग्लास और कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। तो इसके एकदम एग्जैक्टली ऊपर लगा देना, लेकिन इसको हमें स्क्वायर में ले जाना है, मतलब रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल की तरफ ले जाना है। और गाइस ये फटाक से मैं ये भी बना लेता हूँ, ये इधर से ऐसे ऐसे करके। भाई आ जाना, क्यों टाइम वेस्ट करवा रहे थे ऐसे भी, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो हो रही है। तो हमने पूरा कवर कर दिया और इसको पूरा रेक्टेंगल में ले जाना है, इसको रोकना नहीं है, मतलब ये थोड़ा नीचे हो गया, इसको कहीं बीच में जो गैप आ रहा है उसके थ्रू भी कवर कर लेना है। तो इसको मैं फटाक से एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये दोनों ब्लॉक के, मतलब सबको, पूरा घर जो है वैसे कवर होना चाहिए इसी में, ये स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब में। तो ठीक है, यहाँ से कवर कर लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा ब्लॉक आ गया, इसको, अरे एक्स्ट्रा आ गया भाई, इसको सही है नहीं, इसको तोड़ दो, एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, बोल रहा हूँ। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, ये वाले इसको मतलब इसी के ऊपर रखना है, पिलर के ऊपर ही रखना है, आगे तक एक्सटेंड नहीं करना है अभी। तो यहाँ पे हमने घर दिया, ये एक ब्लॉक छूट गया, तो इसको लगा देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये पूरी छत है, इसको स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब से पूरा का पूरा फिल कर देना है। तो इसको पूरा फिल करके मैं एक बार आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाक से फिल कर दिया है और निकल जा भाई, तो क्यों आ जाता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे भी कुछ ब्लॉक रह गए हैं, तो ये मेरे भाई, क्यों मैं आधे आधे काम छोड़ देता हूँ, मैं हर काम आधा आधा छोड़ देता हूँ। फटाक में ये भी लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने ये भी लगा दिया। और सिमिलरली हमें क्या करना है, सेकंड वाले में भी ऐसे ही ये बना देना है, ये पूरा छत जो है ये भी बना लेनी है। तो यहाँ पे छत दोनों साइड बना लिया। उसके बाद हमें स्टोन ब्रिक लेना है, मतलब ब्रिक ब्लॉक लेना है, और लास्ट वाली जो है वॉल थी नीचे वाली, उसको ऐसे फिल कर देना, पूरा ऊपर तक ले जाना है। अभी मैं इसको पूरा एक्सटेंड करता हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ हमें जो ये स्टोन ब्रिक, सॉरी ब्रिक ब्लॉक कहते हैं इसे, इसको हमें ले जाना है ऊपर तक एकदम। तो यहाँ पे मैं पूरा फिल कर देता हूँ इसको, एंड इसको यहाँ ऊपर तक ले जाना है फुल टू फुल। इसको फटाक से फिल करके आता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया इसको, एंड अब देख सकते हैं आप कि कैसा फिल होके अब कैसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा फिल कर देना इसको। अब हमें लेना वाइट कंक्रीट पाउडर और ये जो एक पिलर बनाना है, हमें एक सीधा एकदम टॉप तक बनाना है पिलर वाइट कंक्रीट पाउडर से, एकदम बॉर्डर पे, मतलब एंट्रेंस के बॉर्डर पे ऐसे बना देना। एक ब्लॉक ज़्यादा वापस आ गया, निकल ले भाई, एक ब्लॉक तेरे को ज़्यादा जल्दी आता। तो यहाँ पे सिमिलर हमें लेफ्ट साइड में भी कर देना है, सिमिलर क्या होता है। तो हमें यहाँ पे भी ये सीधा यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया, हम तो ऊपर आ गया है। और अब आप देख सकते हैं, आप जो घर है वो शेप लेने लगा। अब इसको हमें ये दोनों साइड को जॉइंट कर देना है, मतलब दोनों पिलर्स को जॉइंट कर देना है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जॉइंट हो चुका है। अब हमें एक बाउंड्री से बना लेनी है वाइट कंक्रीट की, वाइट कंक्रीट से एक बाउंड्री बना लेनी है जो आपको दिख रहा है, ये ब्रिक ब्लॉक को जोड़ते हुए, मतलब छत को और ब्रिक ब्लॉक को जोड़ते हुए, और ये जो आगे आपको दिख रहा है पिलर, तो ऐसा हमने बाउंड्री बना लिया है। एंड देन इसके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर हमें लग देना है स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब। तो स्मूथ क्या बोल क्या रहा हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन बेकार हो रही है। तो स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब को हम ऐसे ऐसे करके पूरे में बिछा देते हैं फटाक से, एंड यहाँ पे लग जाए, एंड 1 2। अबे ये क्यों एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हमारे लग चुके हैं ये सब, एंड देन हमें इसको एक्सटेंड कर देना है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, एक एक ब्लॉक एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ से भी लेफ्ट से कर दिया, अब राइट से भी कर देते हैं। एंड देन हमें क्या करना है, पीछे से भी एक्सटेंड कर देना है। ये पहले लेफ्ट को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद पीछे से भी एक्सटेंड करना है। 2 ब्लॉक नहीं, सिर्फ एक ही ब्लॉक करना है भाई। क्यों एक्स्ट्रा, क्यों इतना, मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है इस वीडियो में। तो अगर आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा मेरे को ऐसी ट्यूटोरियल वाली मस्त वीडियो बनाने का। तो ठीक है, पीछे से भी एक ब्लॉक एक्सटेंड किया हुआ है हमने, एंड हमें पीछे से शायद एक और ब्लॉक एक्सटेंड करना है। हाँ, पीछे से एक और ब्लॉक एक्सटेंड कर लेना है। तो हमें फटाक से एक्सटेंड कर लेता हूँ, पीछे से भी एक और ब्लॉक और आगे से भी एक और ब्लॉक एक्सटेंड करना, ताकि ये थोड़ा उभर के दिखे ये दोनों साइड। तो इसलिए एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा ब्लॉक एक्सटेंड करना है, लेफ्ट और राइट में एक एक ब्लॉक, और यहाँ पे दो ब्लॉक एक्सटेंड करना है। तो ठीक है, एंड देन इसको फिल कर देते हैं हम सिंपली, जैसे स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब से फिल करते हैं, छत बना लेते हैं। यहाँ पे छत बना ली हमने, पूरी कंप्लीट कर दी है। एंड देन उसके बाद हमें लेना है ऑरेंज कंक्रीट, एंड इसकी जो छत का एकदम ऊपरी हिस्सा है इसको पूरा ऑरेंज कंक्रीट से भर देना है, ताकि छत ना दिखे, बस ऑरेंज कंक्रीट दिखे। और ऑरेंज से मेरे को संतरी याद आया, संतरी कुछ और नहीं, मतलब मैंगो याद आया मेरे को, पता नहीं क्यों ऑरेंज से मैंगो याद आ गया। तो इसके सामने एक पिलर हमें लगा देना है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का ही पिलर है ये भी, इसको एकदम सामने लगाना है एंट्रेंस के एकदम सामने वाले ब्लॉक पे। तो यहाँ तक आ जा भाई, आ जा। और मेरे को पता नहीं, मैं बड़ा अजीब आदमी हूँ, मेरे को मैं मतलब
ऑरेंज कलर देख के मेरे को मैंगो कैसे याद आ जाता है, लोगों को कुछ और याद आता है, मेरे को ये मैंगो क्यों याद आया आई डोंट नो। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है फटाक से इसके आगे पिलर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पिलर लगा दिया है एंड ये अच्छे से बन गया ना। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पे भी एक और ब्लॉक एक्सटेंड करना है हमें, मतलब इसको भी डबल ब्लॉक साइज़ का बनाना है और दोनों साइड बना लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें हमारा एंट्रेंस का ये जो काम है ये कंप्लीट हो चुका है एंड अब आपको जो ऊपर में जो स्लैब लगाई थी इसको और एक्सटेंड कर देना है ताकि ये उभरी हुई दिखे, ज़्यादा उभरी हुई नहीं है। एक ब्लॉक का एक्सटेंड करना है जहाँ तक आपके पिलर्स हैं ऑरेंज वाले, उसके एक ब्लॉक आगे तक एक्सटेंड कर देना है एंड देन आपको लेना है स्टोन ब्रिक और इसको चार ब्लॉक हाइट तक, एक दो तीन एंड चार, ठीक है। सिमिलरली इस साइड में भी एक दो तीन एंड चार, ठीक है। तो ये जहाँ पे ओए ओ ओ लामा, तेरे को क्या है यहाँ पे, क्यों देख रहा है? हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं देखिए दोनों हो चुके हैं एंड देन इसके ऊपर लगना है आपको स्लैब एग्जैक्टली ऊपर एंड दोनों को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लेता हूँ फटाक से एंड इसके बाद यहाँ पे भी एक ब्लॉक एक्सटेंड कर लेना है फटाक से, एक बार एक्सटेंड कर लेता हूँ और इसको भी कनेक्ट कर देना है ताकि पीछे से भी कनेक्ट लगाया हुआ लगे, मतलब जो पीछे वाली फ्लोर है इससे भी कनेक्ट हुआ लगे। तो ऐसा हमें बना लेना है। देन अब हमें लेना है स्मूथ क्वार्ट्ज टियर, स्मूथ पर सबसे पहले व्हाइट कंक्रीट लेते हैं और इसके आउटलाइन बना लेते हैं ताकि थोड़ा पात रहे एंड देन उसके बाद लेते हैं हम स्मूथ क्वार्ट्ज टियर, उसके ऊपर लगाते हैं हम, ऊपर नहीं लगाना भाई, साइड में इसकी इधर लगाना है ताकि एंट्रेंस में थोड़ा उठाव रहे, जो भी बोलते हैं वैसे रहे, ठीक है। एंड देन हमें स्मूथ क्वार्ट्ज टियर से यहाँ पे एक्सटेंड कर लेना है, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे वैसे आपको लगाना है स्मूथ क्वार्ट्ज टियर तक, ज़्यादा दूर तक नहीं, बस यहीं तक लगाना है जहाँ तक आपका पहला कॉर्नर आ रहा है वहीं तक लगाना है एंड देन इसको यहाँ पे लगा के और इस साइड में ऐसे लगा देना है ताकि ये जॉइंट हो जाए इस दीवार से। तो यहाँ पे दीवार से जॉइंट हो गया। देन आपको लेना है वाइट कंक्रीट एंड जो गैप आपको दिख रहा है ग्रास वाला, इसकी जगह आपको भर देना है वाइट कंक्रीट, जैसे जैसे मैं भर रहा हूँ आपको कंप्लीटली वैसे वैसे फटाक से भर देना। तो मैं फटाक से ये भी भर लेता हूँ, लग जा 1 2 3 एंड यहाँ पे भी हम पूरा लाइन फिनिश कर लेते हैं। एंड गाइस सेकंड साइड में भी आपको सिमिलर यही करना है, ये जो आपने बनाया यहाँ पे और यहाँ पे भी बना लेना है सेम टू सेम स्टेयर की मदद से, यहाँ पे भी मैं बना लेता हूँ फटाक से। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया इसको, जैसे मैंने इस साइड बनाया वैसे इस साइड बना लिया, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको करना है जो आगे की तरफ हो है उसको स्मूथ क्वार्ट्ज को, उसको एक ब्लॉक पीछे भी ले आना है एंड देन उसके बाद लगाना है वाइट कंक्रीट ऐसे ऐसे करके, देखिए वाइट कंक्रीट लगा देना है एक मतलब एक गेट जैसा थोड़ा सा ऊपर की तरफ, लेकिन ठीक है इसको पूरा स्क्वायर रेक्टेंगल में कवर कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ अभी। अरे भाई क्यों लग रहा है एक्स्ट्रा, क्यों लग रहा है? देन इसको यहाँ पे लगा देना, तो देख सकते हैं ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। देन इसके ऊपर ग्लास लगा देनी है जो 1 2 3 4 एंड 5 6, तो यहाँ पे 6 ब्लॉक ग्लास लग गई है यहाँ पे। तो ठीक है, तो इतना ये ऊपर का तो फिनिश हो गया एंड देन हमें लेना वाइट कंक्रीट एक ब्लॉक छोड़ के एंड देन इसको चार ब्लॉक तक टिक करना है, चार ब्लॉक टिक करना है। पहले यहाँ पे भी कर देता हूँ एक, देख लीजिए ऐसा कुछ पाथ बन जाएगा और इस पाथ पे हमें चार, तो मैंने यहाँ पे चार पाथ बना लिए हैं, तो आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ पाथ है। अब हमें सीधा इसके अंदर जाना है, घर के अंदर जाना है एंड देन वाइट कंक्रीट को अपने जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, इस जो एंट्रेंस का सेक्शन है, यहाँ पे वाइट कंक्रीट को पूरा पूरा फ्लोर पे एकदम बिछा देना। तो फ्लोर को बिछा दिया हमने एंड देन यहाँ पे दो ब्लॉक्स लगाने हैं, यहाँ पे दो ब्लॉक्स लगाने हैं, दो ब्लॉक्स ही लगाइएगा, दो ब्लॉक एक्सटेंड कर दीजिएगा इसको। ये क्यों एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे दो ब्लॉक एक्स्ट्रा लगा देते हैं एंड इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा छूट गया था। ये मैं पहले दूसरी चीज़ बताने लगता हूँ, पहली चीज़ कंप्लीट कर लेते हो, फ्लोर कंप्लीट कर लेना है ऐसे करके और ये जो जैसे दो ब्लॉक एक्सटेंड किया वैसे ही या दूसरी साइड भी ऐसे दो ब्लॉक एक्सटेंड करके हमें ऊपर तक कनेक्ट कर देना है इसको। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड कर दिया है, लग जा क्यों लगते हैं, क्यों लगते हो एक्स्ट्रा हम, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने जैसे गुस्सा नहीं करना एंड दो जो ऊपर के हैं इस साइड में तोड़ देना है, इसकी जगह लगा देना स्मूथ क्वार्ट्ज टियर एंड यहाँ पे भी फिर मैं ऐसे बेवकूफ़ वाले काम करता है क्यों, तो यहाँ पे भी दो स्मूथ क्वार्ट्ज टियर लगा देना है, इसको भी ब्रेक करते हैं एंड यहाँ पे भी लगा देना दो स्मूथ क्वार्ट्ज टियर एंड देन इसके सेकंड वाले पे भी दो स्मूथ क्वार्ट्ज टियर एंड स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब लेना है एंड दोनों को कनेक्ट कर देना है, दोनों स्टेयर्स को एक दूसरे से, एक दूसरे के लाइटिंग का काम है बाद में करूँगा, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा खड़ूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमें इस ये वाइट कंक्रीट से इसको पूरा पूरा भर देना जो अंदर का एरिया दिख रहा है आपको, तो इसको एरिया का भरने के बाद अब आपको स्मूथ क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज स्लैब लेने हैं एंड देन इसको पूरा पूरा नीचे तक ले आना है, इसको एक मतलब कुछ ही में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा पूरा कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो गया, तो आपको स्टेयर्स कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड आप जा सकते हैं, एक इस साइड और एक साइड। अब हमें यहाँ पे ये जो छोटा छोटा एरिया जो छोटी यहाँ पे लगाते हैं वाइट कंक्रीट ताकि ये छुपाई रहे, अच्छे से दिखे, अच्छे से ना दिखे, ठीक है।
एंड देन आप देख सकते हैं कि कुछ हमारा जो घर है वो शेपिंग में आ रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अब इंटीरियर का कुछ कुछ काम बाकी है, वो अभी मैं फटाक से करता हूँ, और डिज़ाइनिंग वाला जो मेन पोर्शन है वही बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो हमें लेना है रेड कॉन्क्रीट और हमें लगा देना है एक कॉर्नर पर, ये रेड कॉन्क्रीट जो है एक कॉर्नर पर लगा देना, तो मैं कोई ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड देन इसको डायगोनली हमें हर जगह लगा देना, तो यहाँ पर मैं डायगोनली लगा देता हूँ हर जगह, और इसको पूरा पूरा मतलब हर फ्लोर पे पूरा पूरा बिछा देना ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने हर जगह लगा दिया है, फटाक से लगाता हूँ ये धड़ाधड़ हर जगह लगा देना है। यहाँ पे भी एक ब्लॉक छूट गया, यहाँ पे कितना ब्लॉक, एक दो, मतलब एकदम कॉर्नर से टच होते हुए ऐसे लगा देना ऐसे शेप में, तो ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लगाता हूँ एक, भाई एक्स्ट्रा लग गई, इसको तोड़ दो। एंड देन ये जो आप गैप दिख रहे हैं इसको मैं रखना है हमें ऑरेंज कॉन्क्रीट, तो ऑरेंज कॉन्क्रीट को हमें जितने भी गैप है उसमें फिल कर देता हूँ फटाक से। तो गाइस ऐसा रूम दिख जाएगा आपको, इस रूम का कुछ खासियत नहीं है, अभी मैं इसके अंदर सजावटें करूँगा। तो इस अब दूसरे रूम में हमें व्हाइट कॉन्क्रीट भर देना है, मतलब पूरे में भरना नहीं है, मतलब एक लेयर बनानी है पहले, यहाँ पे हमें एक लेयर बना देनी है, और यहाँ पे भी आउटलाइन बना देना है। तो आउटलाइन यहाँ पे क्यों लग जाते हो, एक्स्ट्रा ब्लॉक क्यों लग रहे हो, निकल जाओ जैसे निकल जाओ एक्स्ट्रा ब्लॉक। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक लेयर ऐड करनी है सामने वाले में भी, यहाँ पे भी ऐड कर ली। एंड देन ये वाली साइड का एक और लेयर एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बनाएंगे हम, तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे हमें कुछ एक स्विमिंग पूल जैसा बनाना है, तो यहाँ पे हम स्मूथ कट स्टेयर रख देते हैं ताकि एंट्री हो। एंड देन इस जो ग्रास ब्लॉक है इन सबको ब्रेक कर देता, फटाक से ग्रास ब्लॉक को ब्रेक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा एक ब्लॉक डीप ले जाता है इसको, ये ग्रास ब्लॉक फटाक से हटाता हूँ, मुंह से साउंड इफेक्ट दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा एडिटिंग में टाइम ना जाए। एंड देन इस ग्रास ब्लॉक को फटाक से रिप्लेस करके आपको लगा देना है व्हाइट कॉन्क्रीट, मतलब जो व्हाइट कॉन्क्रीट है इसको फटाक से लगा देना है यहाँ पे, हर ग्रास ब्लॉक में को रिप्लेस कर देना है व्हाइट कॉन्क्रीट से। तो मैं फटाक से इसको भी रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सारे को रिप्लेस कर दिया है। एंड देन यहाँ पे मैं एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगा देता हूँ, तो कि मतलब नीचे वाले ब्लॉक को आप रिप्लेस कर देना ग्रास वाले, मेरे यहाँ पे मैंने ऊंचाई पे बना दिया थोड़ा, तो हवा में रह गया, तो इस वजह से एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि नीचे में हमें एक स्विमिंग पूल के लिए प्लेटफॉर्म जो होता है वो भी व्हाइट कॉन्क्रीट से बनाना है, तो मैं इसको भी फटाक से फिल करता हूँ, एक दो अभी भाई लग जा, दो तीन, तीसरा ये रहा एंड चौथा ये रहा। अब तो चलो हमारा फ्लोर भी कंप्लीट हो गया, तो अब हमें सिंपली लेना है पानी, मतलब पहले एक स्मूथ कॉस्टेयर लगा देते हैं ताकि थोड़ा आने जाने का रास्ता बने। एंड देन अब हम ले लेते हैं पानी और लगा देना है हर कॉर्नर पे ताकि ये स्विमिंग पूल बन जाए। तो घर के अंदर ही सबको आपको सारी सुविधाएँ मिल जाएंगी, ऐसा घर है, तो ऑल इन वन घर बनाया है एंड्रू बी भैया ने, तो इसका फुल ट्यूटोरियल दे रहे हैं। तो भाई मेरा पसीने से बोलते मुँह दुख गया, तो प्लीज़ लाइक ठोक देना, क्योंकि ओवर एक डेढ़ घंटे की वीडियो बनी थी और मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिम किया होगा, आप देखे होगा 30 मिनट के आसपास ही वीडियो बनी होगी। एंड देन हमें लैंटेन का कुछ काम कर लेता है, तो कॉर्नर में जो जैसे जैसे मैं लैंटेन लगा रहा हूँ वैसे वैसे लगा देना है। देन यहाँ पर हमें लगाना है स्मूथ पॉट्स स्लैब लैंटेन के नीचे, ये एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉट लगा देते हैं एंड इसको ब्रेक करके मतलब इसके एकदम बराबरी पर लगाने अपर हाफ में लगाने हैं। एंड देन इस पॉट में भर देना एक खूबसूरत सा फूल एलियम को भर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, इसको थोड़ा एक ब्लॉक ऊपर ही बनाना है हमें, मतलब पानी मैंने थोड़ा एक ब्लॉक नीचे डाल दिया, तो इसको थोड़ा ऊपर बना के थोड़ा स्टेबल कर देता हूँ, तो पानी यहाँ पे अच्छा लगेगा, एक ब्लॉक थोड़ा डीप होगा तो सही रहेगा। एंड इसको मैंने कर दिया एंड अब इसके हम डुबकी मार सकते हैं। एंड स्विमिंग पूल में नहा के अब मैं नमकीन हो गया हूँ, अब नमकीन हो गया तो फटाक से इससे भी निकल लेता हूँ, वरना मैं नमकीन हो गया तो कुछ मेरे को खारा मीठा अच्छा लगता है, मेरे को नमकीन पानी अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार जोक्स मारता हूँ। एंड अब इसके बाद हमें क्या करना है, लैंटेन थोड़ा सा इधर कॉर्नर पे लगाते हैं, थोड़ा सा भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। एंड देन हमें यहाँ पे एक जो एकदम कॉर्नर में वाटर के यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे दो ब्लॉक रख देना व्हाइट कॉन्क्रीट के, इसके आगे लगा देना स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब, लग जा भाई लग जा हाँ लग गया, ताकि थोड़ा वो बीच में एक बेड जैसा जो नहीं है तो उसको उसका वैसा फील दे कुछ ऐसे। वैसे भी एंड्रो भी तो अकेला है, वो क्या करेगा दो बेड का, बहुत ज़्यादा रोस्टिंग जैसा कुछ नहीं करना हमें। सॉरी मैंने एक ब्लॉक और एक्सटेंड कर देता ताकि आउटलाइंस आ रहे, ये वाटर थोड़ा छोटा रहे लेकिन एक ब्लॉक एक्सटेंड रहे, तो ऐसा कुछ बना लेना। तो यहाँ का ये इस साइड का इंटीरियर कंप्लीट हो गया। एंड देन अब हमें ये ऊपर के और दो साइड का बनाना है, तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, ऊपर का बना लेते हैं, तो यहाँ पर मैं एक लैंटेन लगाता हूँ इससे नीचे वाले में, देन ऊपर का बनाने चलेंगे। तो यहाँ पर लैंटेन लगा दिया मैंने एंड अब ऊपर भाई कॉर्नर पर लगना, कॉर्नर पर। एंड अब हम चलते हैं ऊपर का कुछ बनाने, लेकिन उससे पहले मैं इस साइड का एक चीज़ भूल गया, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे लगा देना है तीन ब्लॉक हाइट तक ये ग्लास के ब्लॉक, ये एक दो एंड तीन, फिर लग जाए भाई लग जाए, फिर एक ब्लॉक छोड़ना है, फिर वापस से करना है एक दो
तीन ब्रेक कर देना है एंड देन ग्लास ब्लॉक लगा देना है, एक दो एंड तीन, ठीक है, ऐसे लगा देना है एंड वापस से तीसरे ब्लॉक में भी ऐसे सेम टू सेम करना है, इन तीनों को ब्रेक कर देना है। फटाक से मैं ब्रेक कर लेता हूँ इनको भी एंड देन इसकी जगह भी ग्लास लगा देना है। तो यहाँ पे हमें तीन बार रिपीट करना है ये चीज़, तो ये ग्लास पूरे पूरे कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया है हमारा कंप्लीट एंड तब हम स्विमिंग पूल में नहाते नहाते आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कैसा बन गया नीचे का, एकदम ब्यूटीफुल बन गया। एंड देन हमें लेना है अब बुक शेल्फ लेना है, एकदम कॉर्नर पर लगा देना है दो ब्लॉक हाइट तक बुक शेल्फ, और इसको दो बार रिपीट करता हूँ मैं, एक यहाँ पे लगाता हूँ एंड यहाँ पे भी सेम टू सेम हम लगा देना है, तीन ब्लॉक का गैप छोड़ के एक और बार चार बुक शेल्फ लगा देना है। देन हमें बीच में रखना है एक बेड, ऑरेंज बेड रखेगा, एकदम थीम को मैच करना चाहिए, घर का थीम मैच होना चाहिए। एंड देन इसके ऊपर लगा देना है हमें ट्रैप डोर, कुछ नहीं होगा भाई प्लेयर को, मतलब सराहने के लिए अच्छा लग रहा है, ट्रैप डोर लगाया उन्होंने तो क्या करें। एंड देन उसके ऊपर लगा देना हमें ओक लीव्स, तो ओक लीव्स आपको मिल जाएंगे पेड़ से, शेयर्स यूज़ करिएगा आपको मिल जाएंगे, तो बुक शेल्फ के ऊपर लगा देना है हमें, तो इसके ऊपर लगाते हैं बुक शेल्फ के ऊपर। एंड देन हमें लेना है कारपेट जिसकी इससे फ्लोरिंग हो, तो जैसे हमने नीचे में किया था रेड ऑरेंज, तो वैसे ही सेम टू सेम हमें पैटर्न बना के जैसे नीचे में किया आपने कंक्रीट से, वैसे ही हमें ये ऊपर में कारपेट से करना। तो फटाक से इसको भी मैं कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने रेड वाले सारे लगा दिए, मैंने एक पैटर्न में लगाता हूँ, तो रेड वाले तो मैंने सारे लगा दिया, अब ऑरेंज वाले फटाक से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऑरेंज वाले यहाँ पे लग, एक दो तीन फोर, सारे ऑरेंज वाले लग जाओ भाई, लग जाओ जल्दी, लग जाओ जल्दी, मेरे को टाइम नहीं है, कल सो पनवेल भी निकलना है, पनवेल नहीं मेरे को दिल्ली निकलना है, दिल्ली भी नहीं भाई, टूट टूट रहा है मेरे को, जल्दी जल्दी काम करना है। एंड देन ऑरेंज वाले, तो यहाँ पे हमारी फ्लोरिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, एक लैंटर्न भी लगाते हैं ताकि थोड़ी और रोशनी बढ़े, रोशनी होनी चाहिए, रोशनी मेरी गली में नहीं रहती भाई, नहीं रहती, एक और जो फालतू वाला नहीं मारूंगा। एंड देन हमें इस वाले घर को फिल करना है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एंचेंटमेंट टेबल जैसा कुछ बना दें, क्योंकि एनचेंटमेंट टेबल बनाता हूँ यहाँ पे मैं फटाक से एनचेंटमेंट टेबल बना देता हूँ, क्योंकि एक ब्लॉक तो हमारा सोने के लिए, मतलब एक घर तो हमारा सोने के लिए हो गया, तो यहाँ पे एनचेंटमेंट करेंगे एंड्रू भी, तो यहाँ पे ये एनचेंटमेंट टेबल लगाता हूँ फटाक से, ये लग जा भाई, एक और बुक शेल्फ लग जा एंड यहाँ पे भी एक फिल कर देते हैं, और ऊपर लगाते हैं हम चेस्ट लगाते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे एनचेंटमेंट टेबल, तो यहाँ पे मैं चेस्ट लगाता हूँ जिसमें आप लैपटॉप लग दी ली एंड एनचेंटेड बुक भर सकते हो, यहाँ पे मैं लगाता हूँ एनचेंटमेंट टेबल जिसको आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर उड़ती उड़ती किताबें होती हैं। एंड अब यहाँ पे क्या लगाऊँ, तो मैं यहाँ पे एक बेड लगाता हूँ, क्योंकि दो कोई भी अगर एक्स्ट्रा मेहमान आया तो वो भी सो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मेहमान कौन आएगा, वैसे SMP में 10-11 लोग हैं, वो अपने अपने घर बनाए, एक्स्ट्रा मेहमान ना आए। और यहाँ पे मैं लगाता हूँ चेस्ट ताकि स्टोरेज रूम भी बन जाए एक, तो यहाँ पे डबल चेस्ट लगाता हूँ एंड ऊपर क्यों लगाएं, एंड दो सीक्रेट चेस्ट भी यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, ताकि एकदम आसानी से नज़रों में ना पड़े। क्राफ्टिंग टेबल लेना है और इसको लगा देना है यहाँ पे, ताकि कुछ क्राफ्टिंग करना हो तो यहाँ से कर सकें। एंड हमें आ जाना है अब नीचे की तरफ, और ये वाले जो ये जो खाली लगे घर, इसको हम बनाएं किचन, तो यहाँ पे दो फर्नेस रख देना है, इसके साइड में रख देना हमें दो ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ पे ये दोनों रख दिए। इसके बाद हमें लेना है स्मूथ क्वार्ट्ज स्लैब, और इससे बनाना है वॉश बेसिन बनाने के लिए ऐसे उल्टे स्लैब रख देने हैं अपने तरफ मोड़ते हुए, और यहाँ पे एक टेढ़ा में स्लैब और एक यहाँ पे टेढ़ा में स्लैब, दो ब्लॉक एक्सटेंड किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, शायद ट्रिप वायर हुक लगा देनी है उसके बाद, शायद मेरे को लग रहा है दो ब्लॉक एक्सटेंड किया हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसको तोड़ देते हैं, एक ब्लॉक एक्सटेंड किया हुआ बनाए मैं गलती से, दो ब्लॉक बना दीजा यहाँ पे, इसको तोड़ देता हूँ ठीक है। एंड इसको लगा देना हमें एकदम कॉर्नर में, तो ठीक है ऐसा लग रहा है ये टोटी है, और यहाँ से पानी तो मेन रहेगा, टोटी में से पानी गिरना चाहिए, तो यहाँ पे हमें तीनों जगह पानी भर देना है, तो यहाँ पे हमें तीनों जगह पानी भर दिया है फटाक से एंड लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सजावटें हो गई, अब हमें ये आयरन ट्रैप डोर लेना है और इसके ऊपर लगा देना है हर चीज़, ये सब फर्नेस के ऊपर लगा दिया हमने चार ट्रैप डोर, तो यहाँ पे भी लगा देना है ट्रैप डोर, ये जो जगह खाली होगी एक्सटेंड वाली यहाँ पे भी दो ट्रैप डोर लगा देना है, अच्छे से लग जाए भाई, दोनों सेम लेवल पे लगने चाहिए याद रखिए, तो यहाँ पे मैंने सेम लेवल पे लगा दिए। एंड दो इसके ऊपर लगाते हैं हम लैंटेन, ताकि थोड़ा रोशनी भरते रहे, खुशहाली मचते रहे, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड लगा दिए हैं लैंटेन, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मेरे को, तो ये मन कर रहा है यहीं पे बस जाऊँ, लेकिन क्या करें, ये हमारा घर नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये सब कर दिया है। एंड देन हमें लेना है ग्रास ब्लॉक, और ये जो तीन जो आपको ब्लॉक दिख रहे हैं एक्सटेंड हुए, यहाँ पे लगा देना है तीन ग्रास ब्लॉक, और ग्रास ब्लॉक क्यों लगा रहा हूँ ये बता दूंगा, तो यहाँ पे हमने ग्लास ब्लॉक लगा दिए हैं, फिर हमें स्प्रूस ट्रैप डोर लेना है और फटाक से इन सबको कवर कर देना है, ग्लास ब्लॉक को ऊपर से नहीं बस साइड और नीचे से कवर कर देना है, फटाक से इसको फ्लैप कर देते हैं ट्रैप डोर को लगा के, ऊपर से नहीं करना भाई मेरे, और इसको साइड से लगाते हैं, इसको भी साइड से एंड ताकि ये जो हर साइड है ये डर्ट दिखे ना हमें, बस ऊपर का रहने दो, ऊपर की तरफ रहने दो, और नीचे से भी सेम टू सेम हमें करना है, ट्रैप डोर लेना और लगा देना फटाक से, इनको तो क्लोज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लग जाएंगे ऐसे नीचे में, तो यहाँ पे ये फटाक से लग गए हमारे।
एंड देन हमें लेना है बम्बू, एंड बम्बू में तंबू उगाना है, तो मतलब बम्बू उगाना है इधर, तो बम्बू उगाना है ताकि ये खुशहाली बनाए, थोड़ा हरियाली फैलाए, घर में भी हरियाली होनी चाहिए। कभी मन हुआ कि बम्बू खाने का, तो बम्बू कौन खाता है, बम्बू खाते हैं उल्टा बोल रहा, तो बम्बू खाने का मन हुआ तो आप घर में उगा सकते हैं। मतलब मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा खूबसूरती बनाने के लिए। तीन तीन ब्लॉक हाइट तक हमने ये बढ़ा दी। अब हमें लगाना है यहाँ पे आर्मर स्टैंड, और यहाँ पे लगा देना है ओपी आर्मर, मतलब गॉड आर्मर जो बोलते हैं एंथ्रोबी भैया, एंथ्रोबी भैया, तो उनका गॉड आर्मर हमने यहाँ पे लगा दिया, फटाक से लगा दिया है हमने। एंड देन ये आपको दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत घर बन चुका है। अब हमें एक्सटीरियर में क्या करना है, यहाँ पे लगा देना दो ब्रिक ब्लॉक दो हाइट तक। यहाँ पे हमने दो ब्रिक ब्लॉक लगा दिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम इस साइड में भी कर देना दोनों पाथ के एकदम कॉर्नर कॉर्नर पे। एंड देन हमें अब लेना है ये ओक लीव्स, और इसको पूरा बड़ा बाउंड्री की तरह कवर कर देना है चारों साइड में। तो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या करना है आपको, कॉर्नर पे लगा देना है दो ब्रिक ब्लॉक, हर कॉर्नर पे दो ब्रिक ब्लॉक लगा देना, और पूरा जो घर दिख रहा है आपको इसको पूरा ऐसे ही कर देना सेम सेम टू सेम। तो यहाँ पे हमने लास्ट एटलीस्ट कुछ पूरा घर जो है वो रेडी बन चुका है, यहाँ पे लगा देना लास्ट ओक लीव। एंड गाइस हमारा घर जो रेडी है, बस आप हमें ये जो सारे ब्रिक ब्लॉक है इनके ऊपर लगा देना है ऑरेंज कलर के जो कारपेट आपको, ताकि थीम मैच हो, तो इसके ऊपर लगा देना हमें ऑरेंज कलर के कारपेट। तो यहाँ पे मैं सब में लगा देता हूँ फटाक से, और ये यहाँ पे एक और लग जाए, तो यहाँ पे से पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस हमारे घर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड गाइस बस इतना ही था वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो जाके एक लाइक छोड़ देना, चैनल पर सब्सक्राइब। एंड गाइस अगर आपको एंटरटेनिंग एंड फनी वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियोज मैं लाते रहता हूँ और लाऊंगा भी, और हमने पिछली कुछ वीडियोज डाली हुई है उनको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग एंड फनी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।